हेलो डियर एफ आई बी एस सी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ पेपर सेकंड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कम्प्लीटेड विद द ग्रोथ कर्व एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द जनरेशन टाइम। एंड नाउ हियर इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस ऑफ क्रेडिट सेकंड, दैट इज द बैक्टीरियल ग्रोथ। वी विल सी द डायोक्सिक टाइप ऑफ द ग्रोथ, ओके, और डायोक्सिक ग्रोथ कर्व वी आर गोइंग टू स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन वी स्टडीड द ग्रोथ कर्व वी लर्नड दैट द ग्रोथ कर्व विच वी ऑब्जर्वड इन द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ शुगर इज लाइक सम वॉट लाइक दिस, ओके, वी हैव स्टडीड, ओके। बट नाउ दिस नेम इज डायोक्सिक ग्रोथ, that means something is observed which is in the two form, okay, or something is given in the two forms, okay. Now what this dioxic growth means, when we draw a normal growth curve we observe it like this, okay, but in the dioxic growth curve we observe it like this, okay. I will show you here. So it has been observed like this, you can see here. So what does it mean कि वो ग्रोथ कर्व जो होता है, जो डायोक्सिक ग्रोथ कर्व में होता है, कि लॉग फेज जो है वो दो बार आती है। जो हमारे नॉर्मल ग्रोथ कर्व में लॉग फेज होती है वो एक ही बार आती है, एक ही बार होता है, लेकिन डायोक्सिक ग्रोथ में जो कुछ बैक्टीरिया दिखाते हैं वो ऐसे आती है जहाँ पे आपको दो लॉग फेज दिखेंगी। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल ग्रोथ कर्व एंड द डायोक्सिक टाइप ऑफ द ग्रोथ कर्व। नाउ डायोक्सिक ग्रोथ कर्व फिर कब मिलता है आपको, नॉर्मल नहीं है ये चीज़ तो कब मिलती है आपको ये डायोक्सिक ग्रोथ कर्व, तो जब आपने सपोज आपने न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया, ठीक है, और उसमें यू ऐड टू टाइप ऑफ दी शुगर्स। जब हम नॉर्मल मीडिया बनाते हैं आप एक ही डालते हो, कोई ग्लूकोज, मेजरली हम ग्लूकोज डालते हैं, ठीक है, बट अगर आपने एक और सोर्स डाला, फॉर एग्जाम्पल मैंने लैक्टोज डाला, ठीक है, तो आपको मिलता है डायोक्सिक ग्रोथ कर्व, जहाँ पे आप एक नहीं दो टाइप के शुगर्स यूज़ करते हो या दो टाइप के शुगर उस बैक्टीरिया को देते हो, देन वी ऑब्जर्व द कर्व दैट इज़ द डायोक्सिक टाइप ऑफ द ग्रोथ कर्व। तो सपोज आपने इकोलाई को कल्चर किया, आपने दो उसमें शुगर सोर्सेज दी, तो ये टाइप का कर्व आपको मिलेगा। अगर आप मेजर करोगे, कैसे मेजर करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे ग्रोथ कर्व जो आपको मिलेगा, इट विल बी ऑफ डायोक्सिक टाइप, इट विल बी ऑफ द टू लॉग फेज, ओके। अब कैसे करना है, तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया को दो ली दी शुगर सोर्स, दैट इज़ द ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक जो है चीज़ दिखाते हैं अपने आप में, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, कोई भी आप दोस्त ग्लूकोज के साथ शुगर, उसको सबसे पहले खाना पसंद है ग्लूकोज। कोई भी शुगर डालो आप, इसके साथ आप माल्टोज डालो, इसके साथ आप जो है सॉर्बिटॉल डालो, कुछ भी डालो, ये जो होते गैलेक्टोज डालो, ये जो बैक्टीरिया होते वो क्या करते, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई, वो क्या करते हैं ग्लूकोज ही पहले यूटिलाइज़ करते हैं, और जो भी आपने दूसरी शुगर डाली है वो बाद में, कोई भी डालो फिर आप, ठीक है, वो करते क्या है, पहले ग्लूकोज खाएंगे, उसके बाद वो दूसरा शुगर खाएंगे, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों करते हैं, अब तक इसका कुछ इतना जवाब नहीं मिल पाया है, बट वो होता क्या है कि पहले वो ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करते हैं, अच्छे से ग्रो होते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल ग्रोथ कब आता है, ठीक है, अब जब वो डिक्लाइन होने लगते हैं उनको दूसरा शुगर मिल जाता है, दैट इज़ द लैक्टोज, तो फिर से ग्लो होना शुरू करते हैं, और इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, ऐसे अलग सा ग्रोथ कर्व मिलता है जिसमें दो लॉग फेज होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द डायोक्सिक ग्रोथ कर्व। तो इसी चीज़ की वजह से इसको डायोक्सिक ग्रोथ कर्व बोला जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द ग्रोथ कर्व जो बैक्टीरिया में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है डायोक्सिक ग्रोथ कर्व में, अब हमने मैंने जैसे आपको बताया कि पहले हम वो ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करते हैं, बाद में वो लैक्टोज या फिर जो भी आप सेकंड शुगर डो उसको यूटिलाइज़ करेगा, तो ऐसा क्यों होता है, ग्लूकोज इतना फेवरेट क्यों होता है बैक्टीरिया का, तो ग्लूकोज जो होता है आपको पता होगा इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, होते तो सभी कार्बोहाइड्रेट है बट वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। आपने भी देखा होगा कि हमें जब वीकनेस आती है तो हम ग्लूकोज लेते हैं, या फिर हमें जो एनर्जी जो सबसे ज़्यादा मिलती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज, ओके। तो ग्लूकोज इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी, वैसे ही वो बैक्टीरिया के लिए भी है, और सबसे सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर होने की वजह से वो
पहले यूटिलाइज किया जाता है बैक्टीरिया। अब कोई भी बैक्टीरिया क्या, हम भी हो, हम सिंपल चीज़ पहले करते या सिंपल चीज़ पहले खाते, बाद में हम कॉम्प्लेक्स चीज़ के लिए जाते हैं। सो दैट्स हाउ द बैक्टीरिया ऑल्सो वर्क्स। ठीक है, वो पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद दे आर गोइंग टू यूटिलाइज द सेकंड टाइप ऑफ द शुगर, आप जो भी डालो फिर। ठीक है, सो दैट इज़ द मेजर थिंग दैट इज़ ऑब्जर्व इन द बैक्टीरिया। नाउ डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व की अगर बात करें, तो अब ये होता क्यों है कि ग्लूकोज को ही पहला सम्मान दिया जाता है विकेंड से। तो ग्लूकोज जो होता है, एज एट ऑल सिंपल शुगर होता है, और एक रीज़न है शायद ऐसे बताया गया है कि बैक्टीरिया में, अब आपको पता होगा कि कोई भी प्रोटीन या एंजाइम जो हो, कोई भी शुगर है उसको खाने के लिए जो है हमारे बॉडी में भी एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्ट करके उसको सिंपल फॉर्म में कट करके फिर हम हमारे सेल्स उसको एब्सॉर्ब कर पाते हैं। तो सेम बैक्टीरिया में भी होता है कि उनको कुछ एंजाइम्स लगती है, और वो एंजाइम्स कौन बनाता है खाने के लिए, जो एंजाइम्स लगती है वो बनाता है डीएनए। ठीक है, अब लैक्टोज बनाने के लिए होता है एक लैक ओपेरॉन। ठीक है, अब लैक ओपेरॉन जो होता है उस पर वो क्या करता है, ऐसे एंजाइम्स बनाता है, फॉर एग्जांपल गैलेक्टोसिडेज, जो क्या करेगा इस लैक्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज में, फिर वो बैक्टीरिया आराम से खा पाएंगे। तो ये एंजाइम बनाने के लिए जो लैक ओपेरॉन लगता है, ग्लूकोज क्या करता है उस पर जाके बाइंड हो जाता है, और वो गैलेक्टोसिडेज को बनने ही नहीं देता। और इसकी वजह से क्या होता है, गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा तो लैक्टोज मीडिया में जैसा है वैसा के वैसा ही रहेगा। ठीक है, लैक्टोज जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, बस ग्लूकोज जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये ऐसे ही डीएनए पे रहता है, लैकोपेरॉन पे जो है वो ग्लूकोज ऐसे ही रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, गैलेक्टोसिडेज नहीं बन पाता तब तक ग्लूकोज फिर यूटिलाइज होता रहता है। ठीक है, अब ग्लूकोज मीडिया में पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ये ख़त्म हो चुका है, अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ग्लूकोज जो है वो निकल जाता है लैकोपेरॉन पे से, एंड देन गैलेक्टोसिडेज बनना शुरू हो जाता है, और लैक्टोज भी फिर यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लैक्टोज फिर कन्वर्ट किस में होगा, यूजिंग द गैलेक्टोसिडेज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, और फिर गैलेक्टोज भी आगे जाके ब्रेक होके ग्लूकोज बन जाएगा, और ऐसे जो है अगेन एक और लॉक फेज आ जाएगा पिक्चर में, जैसे पहले आया था ग्लूकोज की वजह से, अब ऐसे लैक्टोज की वजह से आएगा। तो यही चीज़ जो है इसको ही बोला जाता है डायऑक्सिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे आपको दो बार आपको लैक फेज मिलती है, दो बार बैक्टीरिया को खाने के लिए मिलता है, दो बार वो लोग अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, दो लॉक फेज दिखाते हैं। दैट्स वाई दिस होल थिंग इज़ नोन एज व्हाट, डायऑक्सिक ग्रोथ, जहाँ पे यू कैन सी, यू कैन नोटिस कि यहाँ पे उनको दो बार दो शुगर सोर्सेज मिलती है, लैक्टोज एंड ग्लूकोज, जिसकी वजह से ये दोनों ऑब्जर्व, ये अब ये फिनोमिनॉन जो है बहुत सारे बैक्टीरिया में ऑब्जर्व हुआ है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है इनके लिए सबसे जो है सिंपल शुगर है, एंड इट इज़ द सिंपल शुगर, दैट्स वाई दे कैन ईजिली यूटिलाइज इट, एंड दैट्स वाई ईजिली वो ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो ईकोलाई में ये डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे बैक्टीरिया में होता है। तो कोई भी आप ग्लूकोज के साथ आप कोई भी शुगर आप दे दो उनको, पहले वो ग्लूकोज ही यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद वो जो दूसरा शुगर है वो यूटिलाइज करेंगे, एंड ऐसे डायऑक्सिक ग्रोथ दिखाएंगे, और इसकी वजह से जो आपका ग्रोथ कर्व होगा वो आपको दो लॉग फेजेस दिखाएगा। वो मेजर कैसे करते वी विल लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस, बट ये ऑब्जर्व होता है इन द बैक्टीरिया, और इसी को हम बोलते हैं डायऑक्सिक ग्रोथ। डायऑक्सिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो बार जो है, एक तो दो शुगर यूज़ करती है पहली चीज़, तो ये आप याद रख सकते हो, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे वी गेट द ग्रोथ कर्व विच इज़ हैविंग द टू टाइप्स ऑफ व्हाट phases, okay, log phases. So that's about it. I hope you have understood this lecture, and if you have any query or any doubt related to your syllabus, please feel free to contact. Okay, thank you.